लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यानी कि LPR 2022 के अनुसार 1970 से 2018 के बीच वन्य जीव आबादी में आई 69% की भारी गिरावट। क्यों दर्ज हुई ये गिरावट, क्या पड़ेगा इसका असर? दुनिया भर में निगरानी वाली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में साल 1970 से 2018 के बीच 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट LPR 2022 में ये जानकारी दी गई है। नमस्कार, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो इस रिपोर्ट में कुल 5,230 स्पीशीज की लगभग 32,000 की आबादी पर शोध किया गया है। इसमें दिए गए लिविंग प्लैनेट इंडिकेटर्स यानी कि LPI के मुताबिक ट्रॉपिकल क्षेत्रों में वन्य जीवों की आबादी चौंका देने वाली दर से घट रही है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में वन्य जीवों की आबादी में सबसे बड़ी यानी कि भारी गिरावट देखने को मिली है। 5 दशकों में यहाँ औसतन 94% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका में वन्य जीवों की आबादी 66% और एशिया प्रशांत में 55% घटी है। अन्य नस्लों से कंपेयर करें तो ताजा पानी वाले क्षेत्रों में रह रहे वन्य जीवों की आबादी में औसतन 83% ज्यादा गिरावट आई है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार साइकैड स्पीशी के पेड़ों को सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि कोरल यानी कि प्रवाल सबसे तेजी से कम हो रहे हैं। उनके बाद अम्फीबियंस की आबादी सबसे ज्यादा तेजी से घटती नजर आ रही है, यानी कि कोरल्स के बाद सबसे ज्यादा जिनकी आबादी घट रही है वो है अम्फीबियंस। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजहें क्या है वो आपको हम बता देते हैं। WWF ने कहा है कि हैबिटेट लॉस माने जीवों के घरों का उजड़ जाना और पर्यावासी यानी कि माइग्रेटरी रूट्स में बाधाएं आधी माइग्रेटरी मछलियों के कम होने की वजहें हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वन्य जीव आबादी के कम होने की सबसे बड़ी वजहें हैं आवास क्षरण यानी कि हैबिटेट लॉस, शोषण माने एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि इन्वेजिव नस्लों का बढ़ना, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन और डिजीजेस यानी कि बीमारियां। WWF इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल मार्को लंबार्टिनी ने कहा है कि हम इंसानों द्वारा लाए गए जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के नुकसान की दोहरी आपात स्थिति इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। WWF इस नए आकलन से बेहद चिंतित है। तो चिंतित तो हम सभी हैं, मगर इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमने बात की अनीश अधेरिया से, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के CEO हैं। उनसे जाना कि स्थिति कितनी गंभीर है और क्या ये संभालने लायक है भी या नहीं। Planet has to act as one if we want to even scratch the surface so far as solution goes. There are many things that the planet needs to do, that is the human beings need to do. I'm going to list only 3 of them because of paucity of time. First, we need to set aside 1/3 of this planet for wildlife, which means both oceans and land. Human beings can continue to use 2/3 of this planet in a sustainable manner, but that 1/3 should have negligible or no human disturbance. 2, we have to join hands to fight the battle against climate change. We have to move away from fossil fuels and non-renewable energy. We have to bring in renewable energy. We need to think of green infrastructure, which means cities have to be far more efficient. Our agriculture needs to be efficient, which means it is currently water intensive. It should be far more efficient. It should be able to give the produce without too much of wastage of water. And third, we must fight the illegal trade in wildlife. It is the 4th largest illegal trade on planet Earth after drugs, money counterfeiting, and human trafficking. And all these trades are connected with each other, which means that if we can find an answer to the illegal trade in wildlife, if we can stop it, we'll be able to impact the remaining 3 trades as well. इंसानों के घरों पर तो अब बुलडोजर चल रहे हैं, जानवरों के घरों पर बुलडोजर तो हम कब के चढ़ा दिए, और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि 52 सालों में हमने अपनी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में करीब 70% की गिरावट ला दी है। अनीश ने कुछ तरीके सुझाए हैं ताकि हम खुद को ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ बाकी जीवों के लिए भी पृथ्वी को कंजर्व कर सकें। मगर कहनी और कथनी में फर्क है।
कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हम म्यूजियम्स में वन्य जीव दिखाएं और कहें कि एक था जंगल का राजा शेर और एक थी सुरीली कोकिला। तो ये नौबत ना आने पाए, इसलिए लेट्स स्टार्ट मेंडिंग आवर वेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।